जो भागीरथी भिलांगना नदी के तट पर है, सीमा संगम पर है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और एक है किशव बांध, किशव बांध टोंस नदी पर है, किशव लखवार बांध यमुना पर है, कोठार बांध है। आप हमें ये बताएंगे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कि टिहरी डैम से कितनी एनर्जी निकाली जाती है। में घटते सबसे ज्यादा ध्यान रहे कोठार है, उसके बाद टिहरी है, केशव कालगर लखवार। तो ध्यान नहीं रही है, वो गंगा नहीं है, वो कौन है, काली है, 252 किलोमीटर। उसके बाद भागीरथी, काली को हल्के में मत लीजिए। पांच नदियों पर रामगंगा, टागर, वीनो पश्चिम पूर्व नैनार का उद्भव स्थल दूधातोली है। दूधातोली नंदा सबसे जल प्रवाह अलकनंदा, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली, काली सबसे गंगा का नाम भागीरथी। बताऊं गंगा का नाम गंगा है वरना भागीरथी। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया 2008 में। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नायर नदियों को मिलकर कहा गया सप्त समुद्रिक स्रोत। इस सातों को रट जाइएगा। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर केशव प्रयाग, देखिए प्रयाग का आपको ख्याल रखना है, केशव प्रयाग चमोली के माना गांव के पास है, जो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर है। ये प्रयाग कई हैं, उसको आपको ध्यान से रखना होगा। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, ये तो क्लियर है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, कौन है, अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं, लेकिन सारे प्रयाग आपको याद रखने हैं। और आप कमेंट बॉक्स में सभी प्रयागों का नाम लिखें, कमेंट बॉक्स में टोटल प्रयागों का नाम लिखें। गणेश प्रयाग पुराना नाम है, पुराना टिहरी, राम तीर्थ, सुमन सागर यहीं पे है। अच्छा, गंगा और चंद्रभागा के संगम पर ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा के संगम, गौरी और काली के संगम पर जलजीवी आप बताएंगे कि किस देश से जलजीवी की सीमा आगे मिलती है। और रामेश्वर पिथौरागढ़, यमुना और टोंस के संगम पर कालसी देहरादून, भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर गंगोत्री, अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर बद्रीनाथ।
अब कहाँ स्थित है? मंदाकिनी के तट पर। गोपेश्वर चमोली जोशीमठ श्रीनगर पौड़ी स्थित है अलकनंदा के तट पर। कौसानी अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है कौसानी, कोसी के तट पर। हालांकि कई किताबों में कुछ गलत प्रिंट भी रहते हैं। बैजनाथ धाम बागेश्वर में स्थित है गोमती नदी के तट पर। ध्यान रहे ये सब। स्कंद पुराण में त्रिऋषि अत्रि प्लस पुलह, इसको याद रखिए। बार आ चुका है नैनी झील के लिए। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल, सबसे बड़ा भीमताल, सबसे गहरा नौकुचिया ताल, दोनों नैनीताल में है। और आप हमें ये बताएंगे नैनीताल किसे सटे कौन सा जिला लगता है? गढ़वाल के क्षेत्र के प्रमुख झील सहस्त्रताल, यमताल, डोडीताल, फाचकंडी, बयाताल, नचिकेता ताल, आपको जानना है सहस्त्रधारा सहस्त्रताल टीरी में। गढ़वाल क्षेत्र का उबलते जल वाला ताल फाचकंडी बयाताल उत्तरकाशी में। राज्य में सर्वाधिक झीलें तालों वाला जिला कहाँ है? चमोली में। ठंडे जल के प्रमुख कुंड ऋषि, बेदनी, हेम, होम, गौड़ी, दाग, सप्त नंदी कुंड, नंदी कुंड, सूरज नंदा व पार्वती कुंड। बात हो रही है सबसे बड़ा दून वही है, लेकिन और भी दून आपको याद होना चाहिए। कोठरी चोखंबा पौड़ी में है, पतली कोट। राज के प्रमुख पर्वत शिखर नंदा देवी कॉमेट, याद रहे सबसे लंबा सबसे ऊंचा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉमेट और तीसरे पे नंदा देवी पूर्वी। सर्वाधिक ऊंचाई वाली चार चोटियां नंदा देवी कॉमेट, नंदा देवी पूर्वी माणा। आप हमें बताएंगे नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है कमेंट बॉक्स में। चमोली पौड़ी अल्मोड़ा जिले में विस्तृत है, इसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, दूधा टोली को। राज्य के प्रमुख ग्लेशियर गोमुख, जाहिर सी बताइएगा यमुनोत्री किस जिले में है, बद्रीनाथ किस जिले में है आप बताइए, केदारनाथ किस जिले में कमेंट बॉक्स में बताइए, सतोपंत किस जिले में है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ये किस जिले में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मीलम, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मीलम ये किस जिले में है? वसुंधरा पर्वत